दोस्तों, जन्म मरण जीवन का एक ऐसा चक्र है जिसे हर मनुष्य भोगता है। अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसे मरण का स्वाद भी चखना पड़ता है। अब ऐसे में आप सबके मन में ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि आखिर व्यक्ति के बार बार जन्म मरण के पीछे का कारण क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं। दोस्तों, एक बार वासुदेव श्री कृष्ण अपने महल में दातून कर रहे थे। उनके साथ देवी रुक्मणी स्वयं अपने हाथों में जल लिए हुए उनकी सेवा में खड़ी हुई थी। तभी अचानक श्री कृष्ण हंसने लगे, जिस पर रुक्मणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसीलिए श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भगवान को हंसता हुआ देख देवी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप दातून करते समय अचानक ऐसे क्यों हंस पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कृपया मुझे हंसने का कारण बताएं। जिस पर कृष्ण जी बोले, नहीं प्रिय, आपकी सेवा में कोई त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा ना सोचे, ऐसी कोई बात नहीं है, बात तो कुछ और ही है। रुक्मणी जी ने कहा कि आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें तो मेरा मन शांत हो जाए, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, वो सामने एक चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। देखा, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। प्रभु की बात पर आश्चर्यचकित होकर देवी ने कहा, वो कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको आपकी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूं, 14 बार देवराज का पद का सुख पाने के बाद भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्तम कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला मनुष्य इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे दोबारा धरती लोक पर आकर जन्म मरण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, लेकिन जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो उसका जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है कि केवल वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। अतः वासना को ही खत्म करना चाहिए। इस पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। बुझे नकाम अग्नि तुलसी, कहु विषय भोग बहु घीते, अर्थात अग्नि में घी डालते जाएं वो और भी बढ़ेगी। यही दशा काम की है, उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। भगवान आगे कहते हैं कि संसार को मोह छोड़ना अत्यधिक कठिन है, कि वासना बढ़ती है तो भोग बढ़ते हैं, इससे संसार कठोर हो जाता है। वासनाएं जब क्षीण ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। पूर्व जन्म का शरीर चला जाता है परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं जाता। तृष्णा की तरह कोई दुख नहीं और त्याग की तरह कोई सुख नहीं। सारी कामनाओं, मान, सुखभोग, आलस्य, आनंद आदि का त्याग करके केवल परमात्मा की शरण लेने से ही व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसी के साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि मृत्यु के कितने समय के बाद अगला जन्म मिलता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक आत्मा जैसे ही मोह माया की दुनिया छोड़कर जाती है तब आपको इस बात का एहसास होने में काफी समय लगता है, जिसके बाद वो आत्मा नए शरीर की खोज के लिए नए सफर पर निकल पड़ती है। कहा जाता है कि एक साधारण आत्मा को नया शरीर ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आमतौर पर इस श्रेणी में दो ही तरह की आत्माएं आती हैं। पहला देवता श्रेणी होती है, वो देवता जिनको आप पूछते हैं या आपके कुल देवता, ऐसे लोगों की आत्माओं को दूसरा शरीर ढूंढने में लंबा समय लगता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि ऐसी आत्मा के जन्म के लिए ऐसी कोख चाहिए होती है जो खुद में अनोखी हो। वहीं एक और ऐसी आत्मा होती है जिन्हें आसानी से शरीर नहीं मिल पाता है, वो है शैतानी आत्मा। ये आत्माएं वो आत्मा होती हैं जिनका पूरा जीवन दूसरों को कष्ट देने में गुजरा हो। इनको नया शरीर मिलने में लंबा समय लगता है। इसके पीछे भी एक कारण है।
कहा जाता है कि ऐसी आत्माओं को भी ऐसी कोख की खोज होती है जो अपने अंदर उनकी नकारात्मकता समा सके। बृहदारण्यक कोपनिषद में बताया गया है कि एक आत्मा को दूसरे शरीर में जाने में ठीक उतना ही समय लगता है जितना एक कीड़े को एक तिनके से दूसरे तिनके में जाने में लगता है। कई ग्रंथों का यह भी कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसने अपने जीवन के सभी काम पूरे कर लिए हैं तो बिना कष्ट के अपने शरीर त्याग देता है। ऐसे लोगों की आत्मा को नया शरीर धारण होने में कुछ ही पल लगते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना